हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल असम। और आप लोग को पता है मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, उसका मेन रीज़न क्या है। देखिए, ये जो शॉप है ये मैं नया से ओपन किया है, आप देख सकते हैं। बाजार पेन का मैंने डीलरशिप लिया है और ये हो गया मिक्सिंग मशीन, आप लोग देख सकते हैं। इधर मैं आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ में देखिए, ये कलर मिक्सिंग मशीन है जिसमें हम लोग कलर बना सकते हैं। उसके बाद उसमें देखिए हम लोग उसको मिक्सिंग करना होता है। और ये मैंने जीरोक्स मशीन भी एक रखा है क्योंकि ये इस एरिया में कोई जीरोक्स सेंटर नहीं है और मुझे लगा ये भी काम करना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये सब पेंट है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी कारण देखिए मैं यूट्यूब में एक्टिव नहीं था और अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा क्योंकि ये काम में मैं थोड़ा बिजी था। और ये देखिए रेंट पे लिया हुआ शॉप है, इसीलिए मैं यहाँ में ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये शॉप का ऊपर में अभी कुछ बनाने वाला है। और उसी कारण देखिए मैं यहाँ में ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं किया हूँ। नॉर्मली ये देखिए सीलिंग है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ में देखिए ये सीसी कैमरा के लिए मैंने टीवी लगा के रखा है। और ये इसी कारण मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा था और मैं कोशिश करूँगा कि अभी कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। और ये मेरा काउंटर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ में मैं डेली बैठता हूँ अभी। और मेरा घर का सामने ही ये जो रोड है ये आप लोग देख सकते हैं, इधर में मेरा घर है और मेरा घर का बिल्कुल ही सामने है ये शॉप, इसीलिए मैंने रेंट में ले लिया है। और आप लोग भी अभी देखिए, अभी ऑनलाइन का हालत क्या आप लोग को पता है, अभी क्रिप्टो का मार्केट बहुत ही डाउन हो गया है और उसी कारण मुझे लगा कि एक स्टेबल बिजनेस अपना होना चाहिए। और ऑनलाइन काम तो हम लोग हमेशा करेंगे, लेकिन अभी क्या हो गया देखिए, अभी का जो कंडीशन है, सिचुएशन है, अभी रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, उसी कारण देखिए मार्केट बहुत ही डाउन है और मेरा भी लगभग 2-3 लाख रुपया डूब चुका है। और उसके बाद मुझे लगा एक स्टेबल बिजनेस करना चाहिए और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कौन सा बिजनेस, और 10 साल बाद भी ऑनलाइन नहीं होगा। और वो जो बिजनेस है वो हो गया ये पेंट का बिजनेस। और आप लोग भी इसको कर सकते हैं अगर आप लोग को करना है, क्योंकि देखिए अभी कुछ भी सामान आप लोग अगर मोबाइल शॉप खोलते हैं उसमें क्या होता है, ऑनलाइन का प्राइस देखेगा कस्टमर, उसके बाद बोलेगा इसका प्राइस इतना होना चाहिए, आप लोग ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकता है। लेकिन ये सब जो बिजनेस है, देखिए अभी किसी को ऐसा कलर चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसको क्या करना होगा, मेरे पास आना होगा और मैं इस मशीन से मैं कलर बना दूंगा। और यहाँ में देखिए ये जो कैटलॉग है इसमें जितना भी कलर है सब मैं बना सकता हूँ, तो देख सकता है। और इसी कारण मुझे लगा कि ऐसा बिजनेस अभी करना ही सही है जो खुद के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, यानी कि मैं खुद कर सकता हूँ। दूसरा बात देखिए, वो बिजनेस और 10 साल बाद भी ऑनलाइन नहीं होगा। और उसी कारण मैंने डिसाइड किया कि मुझे पेन का शॉप बनाना चाहिए, क्योंकि अभी सबका मन में यही होता है कि अगर मेरे पास पैसा हो जाता है, मुझे एक जॉब मिल जाते हैं, पहले तो एक मैं बाइक खरीदता हूँ, उसके बाद मैं एक घर बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। जब घर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कार लेने के लिए कोशिश करते हैं। और अभी मार्केट में यही चल रहा है क्योंकि मोबाइल सबके पास है और घर बनाएगा तो उसमें कलर चाहिए, पेंट चाहिए। और अभी देखिए दीपावली का टाइम आने का टाइम में एवरी मेंबर अपना घर में पेंट कराते हैं। और इसमें मैं कुछ हार्डवेयर आइटम भी मतलब रखने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैंने ये सब नहीं किया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।